सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा एकदम क्लीन फेस स्मूथ करना चाहते हैं मेरे भाई? एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से फेस स्मूथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहुत ही अच्छे से एकदम क्लीन फेस स्मूथ करना सिखाया हूँ। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा अच्छा नॉलेज दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बेशक मेरे भाई वीडियो आप सबको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरे भाई मैं जो भी बताता हूँ रियल तरीके से बताता हूँ और रियल अच्छे तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई? तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, आप लोग ना हमारा ओरिजिनल फ़ोटो को देख लीजिए। यहाँ पर है हमारा ओरिजिनल फ़ोटो और वहीं मेरे भाई एडिट किया हुआ फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, ये फ़ोटो को देख सकते हैं मेरे भाई। कितना अच्छा क्लीन दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। लेकिन मेरे भाई वहीं ये फ़ोटो देख रहे हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रहा है और उतना क्यूट भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही क्यूट दिखने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को ना अपने फ़ोटो को ले लेना है, ओरिजिनल फ़ोटो को, और इसको डायरेक्ट स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। यहाँ पर आने के बाद मेरे भाई अब आप सभी को क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ ना मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद मेरे भाई मैं आप सबको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सेकंड नंबर पे आप सभी को एक स्मूथ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मेरे भाई स्मूथ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहे हैं, पहले और अब में दिख लीजिए कितने ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप सभी को टून इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप सभी को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और एम्बेनियस को बढ़ा देना है, ठीक है ना? इतना पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से डन करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ सेलेक्टिव ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है और उसके बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर आप सभी को क्लिक करना है एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई फिर से सेलेक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सभी को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेरे भाई जहाँ पर भी आपको ब्लैक दिख रहा होगा ऐसे, वहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को एक डार्क का ऑप्शन दिख जाएगा, देख लीजिए। इसके ऊपर मेरे भाई क्लिक करना है, उसके बाद डन करना है यहाँ से। उसके बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ ऊपर शेयर के बगल में एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आप सभी को व्यू एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड मेरे भाई इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ ब्लैक एंड वाइट होगा इसको सेलेक्ट करना है मेरे भाई। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई एक ब्रश आएगा, ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो आप सभी को कुछ इस तरीके से दिखना है। यहाँ पर आप सबका जो होगा ना 100% रहना चाहिए मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई अपने बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना है आप सभी को, अपने बैकग्राउंड के ऊपर और थोड़ा सा हेयर के ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। तो देख लीजिए मेरे भाई मैं कितने अच्छे तरीके से अपने बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। वैसे ही मेरे भाई सेम टू सेम ना आप सभी को भी अपने बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अच्छे तरीके से मेरे भाई अपने बैकग्राउंड के ऊपर जितना आप अच्छे तरीके से चाहे उतने अच्छे तरीके से आप लोग ना अप्लाई कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। उसके बाद मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा।
इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन करना है, उसके बाद बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद मेरे भाई अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। और मेरे भाई एक अच्छा एडिटिंग करने के लिए ना आप सभी को छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना होता है जो आप नहीं करते हैं। तो मेन मेरे भाई स्टेप हमारा यही होता है, जो आप लोग ना छोटे छोटे चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और अच्छे तरीके से ना आप ना अपने फेस को स्मूथ नहीं कर पाते हैं, मेन रीज़न तो मेरे भाई यहीं पर आप सभी को आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई एक डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसका थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर को कम कीजिएगा 35% और शार्पनेस को इतना पे बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर दीजिएगा। अब मेरे भाई मैं आप सभी को बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट दिखाता हूँ, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, इसी फोटो को ना मेरे भाई इसी फोटो को आप सभी को यहाँ से शेयर करना है। कहाँ पे? तो मेरे भाई इस फोटो को आप सभी को शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए फटाफट हम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो जा रहा है। तो यहाँ लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद ऑल फोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, अपना ओरिजिनल फोटो को ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो ये फ़ोटो है ना जो स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर किए थे, इस फोटो को लेने के बाद मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को यहाँ कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। कलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मिक्स के ऊपर क्लिक करना है एंड मिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आप सभी को ना ये वाला जो सेकेंड वाला है इसको सिलेक्ट करके इसका सैचुरेशन डाउन करना है, लुमिनस को बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आप सभी को क्या करना है, इसको थोड़ा सा डाउन करना है और फर्स्ट वाले कलर को सिलेक्ट करना है मेरे भाई, इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम करना है, लुमिनस को सैचुरेशन कम करना है और ह्यू को भी कम करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आप सभी को यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और इसका ह्यू को थोड़ा सा इधर कर देना है, देख लीजिए इतना पे। इतना काम होने के बाद यहाँ से इसको डन कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई क्लियरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लियरिटी को बढ़ाएंगे एंड टेक्चर को बढ़ा देंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोजर को बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, हाईलाइट को कम करेंगे, शेडोज को बढ़ाएंगे, वाइट और ब्लैक्स को कम कर देंगे इतना पे। उसके बाद मेरे भाई बिफोर एंड आफ्टर देख लेंगे, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई इस फोटो को आप सभी को शेयर करना है कहाँ पर? तो ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई आप सभी को लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है मेरे भाई और इसका सेटिंग देख लेना है। सेटिंग को 3 रखना है और स्ट्रेंथ को मेरे भाई देख लीजिए 14% रखना है और फॉलो को 3%। उसके बाद कट करना है मेरे भाई और अपने फेस को अच्छे तरीके से जूम करना है और जूम करने के बाद मेरे भाई अपने फेस को एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ करना है। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से हम क्या करते हैं, स्मूथ कर लेते हैं। तो मेरे भाई आप भी स्मूथ कर लीजिएगा अपने फेस को अच्छे तरीके से। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।